Hello friends, welcome to Edubiz Solution. This is me, Ankit Kapoor, and अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज. आप बिजनेस स्टडीज के बेसिक से ऑलरेडी अवेयर हैं, आप क्लास 11th में ये पढ़ चुके हैं, तो अब उसको आगे हम नर्चर करेंगे. सो हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर वन से. चैप्टर वन हमारा डील करता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से. चैप्टर वन इज अबाउट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. उसमें पहले जो हम डील करने जा रहे हैं वो चीज़ है कुछ डेफिनेशन से मैनेजमेंट के बारे में बताया जाएगा, तभी आपको उसकी नेचर और उसकी सिग्निफिकेंस का पता लग पाएगा. ये बिट ऑब्वियस ही है, बिकॉज जब तक आपको मैनेजमेंट क्या है ये नहीं पता होगा, तब तक आप उसके आगे क्या पढ़ सकेंगे. सो आई होप बेसिक क्लियर है. और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो कोर्स रहेगा वो थोड़ा फास्ट ट्रैक कोर्स रहेगा. इसमें हम फटाफट चीज़ों से डील करेंगे. शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, ताकि ये कोर्स की डिज़ाइनिंग ऐसे की गई है कि आप फटाफट रिवाइज कर सकें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें, एग्ज़ाम के लिए आप फटाफट गो कर सकें, ताकि एग्ज़ाम डेज पे आपकी तैयारी क्विक हो पाए. एंड मैं इसमें कोर्स में आपको एक और चीज़ बता दूं, पहले तो आपको चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा, साथ ही में इस कोर्स में मैं आपके पास ये भी चीज़ रखूंगा जिसमें आपको इन चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी क्या क्या हैं वो बताऊंगा, उन क्वेश्चंस को कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ, उनको कैसे आंसर करना है ये आपको मैं बताऊँगा, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो जाएँ कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर लिखना है. सो ये चैप्टर को आप मेरे ये चैप्टर के सारे ही चैप्टर को आप एनसीईआरटी की बुक से करेंगे, और कोई बुक रेफ़र ना करें मैं तो यही कहूँगा आपको, बिकॉज एनसीईआरटी की बुक बेस्ट है और मैं भी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहा हूँ. सो ये क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ फॉर सीबीएसई सिलेबस है. सो आई होप अब मैं चैप्टर शुरू करने के लिए फुली रेडी हूँ. तो चैप्टर जब आप अपनी बुक देखेंगे तो उसमें शुरुआत में आप देखेंगे एग्जाम्पल दिया गया है कि HCL को कैसे मैनेज किया गया, शिव नाडार ने इसको कैसे इस्टेब्लिश किया और फर्दर ये चीज़ें कैसे गई. उसी में आप दूसरा एग्जांपल एक देखेंगे फैब मार्ट का, तो उसमें सुहासिनी जी हैं जो ब्रांच मैनेजर हैं, वो कैसे प्लानिंग करती हैं प्रोडक्ट की, कीपिंग इन माइंड के डिमांड क्या रहेगी उस प्रोडक्ट की, वो सब चीज़ को बताया गया. सो मैनेजमेंट एसेंशियल होती है, सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एसेंशियल होती है, चाहे वो बिग हो या स्मॉल हो, मीन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए मैनेजमेंट ज़रूरी है. मैनेजमेंट कंसिस्ट करती है सीरीज़ ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन, यानी कि बहुत सारे फंक्शन हैं जो मैनेजमेंट के हैं, उन सबको जब मिला देते हैं तब एक मैनेजमेंट का फंक्शन, ओवरऑल मैनेजमेंट फंक्शन बनता है. सो जब ये सारे फंक्शंस मैनेजर परफॉर्म करते हैं तो उस चीज़ को हम मैनेजमेंट कहते हैं. ये हुआ मैनेजमेंट का बेसिक. तो अब देखते हैं कुछ डेफिनेशंस को. सो पहली डेफिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं वो है मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग. प्रोसेस है डिज़ाइनिंग का एंड मेंटेनिंग का, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे इंडिविजुअल साथ में काम करेंगे और एफिशिएंटली अपने गोल को एकम्प्लिश करेंगे. वो गोल क्या, जो ऑर्गेनाइजेशन का एक सिलेक्टेड गोल है. तो मेंटेन करना है एक एनवायरनमेंट को, ठीक है, जहाँ पे इंडिविजुअल्स जो हैं वो वर्क करेंगे टुगेदर इन अ ग्रुप, यानी कि इकट्ठे होकर काम करेंगे और एफिशिएंटली अपने गोल को एकम्प्लिश करेंगे. सो अगली डेफिनेशन पे मूव करते हैं. मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन एंड
material resources essential in effective and efficient attainment of objective. तो यहाँ पे आप देखेंगे ये words जो है जो मैं underline कर रहा हूँ वो important है. Coordination है, effectiveness है और efficiency है. तो इस chapter में इन words का बहुत महत्व है. ये तो सारे functions हैं, planning, organizing, actuating, ठीक है, controlling and तो ये planning, organizing, controlling, directing, staffing इन सब से related आपको chapters भी मिलेंगे उसमें. So इस बार आपको तो ये चीज़ें तो आपको आगे chapters में बहुत detail में explain की जाएंगी, पर इस chapter में आप देखेंगे तो coordination, effectiveness और efficiency पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है. इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होगा कि आप कितने इफ़ेक्टिवनेस के साथ अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहे हैं और उससे प्रोडक्ट बना रहे हैं. एक यू नो मिनिमम यूटिलाइजेशन और यू नो मैक्सिमम अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव उससे. और एफिशिएंट इज कॉस्ट एफिशिएंट है आपका प्रोडक्ट. ये नहीं कि आपने रिसोर्सेज तो कम यूज़ किए बट या रिसोर्सेज ऐसे यूज़ किए कि यू नो आपकी कॉस्ट बढ़ गई. तो इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा. तो अगली डेफिनेशन पे आते हैं. मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद इन थ्री अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल बाय सी. अगेन आपने क्या देखा, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. तो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स, यानी कि उनके साथ काम करना है और उनके द्वारा काम करना है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंटली अटेन कर सकें. लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, उनको मद्देनज़र रखते हुए. आगे बढ़ते हैं. मैनेजमेंट को थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया है आपकी बुक में. आप देखेंगे तो मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ नेसेसरी व्हेनेवर देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि बहुत सारा ग्रुप ऑफ पीपल है, अलग अलग लोग आए हुए हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं वो सब लोग. तो जब डिफरेंट टाइप ऑफ लोग होंगे, अलग अलग जगह से आए हुए लोग होंगे और एक जगह पे आके काम करेंगे तो उनको मैनेज करना ज़रूरी होगा. अदरवाइज मिसमैनेजमेंट हुई वहाँ पे तो काम हम अपना गोल ही नहीं अचीव कर पाएंगे. सब अपनी तरफ चलेंगे, अपनी तरह काम करना चाहेंगे तो हम अपना गोल अचीव नहीं करना चाहेंगे. वहाँ पे ज़रूरत होगी एक लीडर की, एक मैनेजर की, जो काम को सही डायरेक्शन में लेके जा सके. सो पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्मिंग डाइवर्स टास्क बट दे आर नॉट ऑल वर्किंग टूवर्ड्स द सेम गोल बट दे आर ऑल वर्किंग टूवर्ड्स द सेम गोल. अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं बट सब के सब एक ही गोल को अचीव करना चाहते हैं. मैनेजमेंट एम करता है गाइडिंग देयर एफर्ट टूवर्ड अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. जो हमारा गोल है उसको गाइड करने का काम कर रहा है मैनेजमेंट. सो दिस इज़ अ गाइडिंग बुक यू कैन से. दस मैनेजमेंट हैज़ टू सी दैट टास्क आर कम्प्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव, यानी कि टास्क कम्प्लीट हो, गोल अचीव हो. मैंने आपको पहले भी बताया कि काम हमारा सही से हो जाए वो इफ़ेक्टिवनेस है, और यू नो लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज के साथ हो, मिनिमम कॉस्ट के साथ हो, वो एफिशिएंसी है. तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी फिर से आ गई. अभी हम चौथी या पांचवी स्लाइड पे ही आए हैं अपनी, और आपने देखा कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इस चैप्टर में और मैनेजमेंट से कितनी ज़्यादा लिंक्ड है, और ऐसे ही लिंक्ड है कोऑर्डिनेशन. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. मैनेजमेंट की अब डेफिनेशंस में आप जाएंगे या मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स के थ्रू जाना होगा. एक है प्रोसेस, फिर इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी. सो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस जब आप डेफिनेशन में देखेंगे तो मींस द प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटी दैट मैनेजमेंट परफॉर्म टू गेट थिंग्स डन, यानी कि वो एक्टिविटीज़ जो मैनेजमेंट परफॉर्म करती है ताकि सारा काम हो सके. और ये मैंने आपको बताया, ये सब मैनेजमेंट के फंक्शन आपने पहले भी पढ़ा इनके बारे में. इनके बारे में अलग चैप्टर्स एंड डिटेल में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. सो ये सब प्रोसेस हैं जो मैनेजमेंट करती है ताकि हम अपना गोल अचीव कर सकें. उसके बाद इफ़ेक्टिवली करें, यानी कि हम अपना काम सही टाइम पे और सही यू नो
तरीके से कर सकें. सो इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद डूइंग राइट टास्क. हम सही काम कर रहे हैं. कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग गोल. हम कंप्लीट कर रहे हैं अपनी जो एक्टिविटीज़ थी, गोल्स को अचीव कर रहे हैं. इन अदर वर्ड इट इज़ कंसर्न विद द एंड रिजल्ट. तो इफेक्टिवनेस हमारा एंड रिजल्ट से कंसर्न है कि हमारा एंड रिजल्ट सही निकले. और एफिशिएंसी हमारी कंसर्न है कॉस्ट से. सो कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस होता है. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व होता है इसमें. सो हमारी कॉस्ट कितनी लगी और वो बेनिफिट क्या आ रहा है, वो चीज़ देखी जाती है. यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इसमें देखा जाता है. सो आगे बढ़ते हैं. अब इफ़ेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी जो मैं आपको बता रहा था कि चैप्टर में डील करेंगे हम आगे, इफ़ेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, तो वो हमारी स्लाइड आ गई है. इफ़ेक्टिवनेस एफिशिएंसी को हम कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. दे आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, बट दीज टू एस्पेक्ट नीड टू बी बैलेंस एंड मैनेज एट अ टाइम. एंड मैनेजमेंट एट टाइम्स हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद एफिशिएंसी और इधर इफेक्टिवनेस. सो हो सकता है एक को डील करने के लिए दूसरी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े. सो एग्जांपल दिया गया है इस चीज़ को समझने के लिए कि इट इज़ ईजियर टू बी इफेक्टिव. हो सकता है हम इफेक्टिव हैं बट एफिशिएंट नहीं है. डेट इज़ मतलब हम टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, अपना टास्क कंप्लीट हो रहा है, एंड रिजल्ट हमारा मीट हो रहा है, बट हायर कॉस्ट. यानी कि हम इफेक्टिव है, टास्क कंप्लीट हो रहा है, बट एफिशिएंसी मतलब कॉस्ट हमारी ज़्यादा आ रही है, एफिशिएंसी नहीं है हमारी. सो उस एग्जांपल को हमने और एक्सप्लेन किया है, आपकी बुक में भी एक्सप्लेन किया गया है इस चीज़ को. सपोज़ अ कंपनी हैज़ अ टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 5000 यूनिट. हमारा टारगेट है कि 5000 यूनिट बनानी चाहिए. टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज़ टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट ड्यू टू पावर फेलियर्स मोस्ट ऑफ द टाइम. पावर फेलियर रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैनेजर ने डबल शिफ्ट लगाई. डबल शिफ्ट का मतलब कॉस्ट हमारी बढ़ गई. तो मैनेजर ने 5000 यूनिट का टारगेट तो अपना अचीव कर लिया, पर हायर प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ, क्योंकि डबल शिफ्ट में काम हुआ. सो इफेक्टिवनेस है, एंड रिजल्ट हमारा आया, बट एफिशिएंट नहीं है. सो फॉर सेम आउटपुट मोर इनपुट. सो इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी नहीं है, कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है. सो एट टाइम्स अ बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन प्रोड्यूसिंग गुड विद फीवर रिसोर्सेज. यानी कि कटिंग डाउन कॉस्ट हो, मतलब कॉस्ट तो हमारी कम लग रही है बट हम अपना टारगेट नहीं अचीव कर पा रहे, बट नॉट अचीविंग द टारगेट. सो यहाँ पे दिस केस ऑफ बीइंग एफिशिएंट है हम, कॉस्ट एफिशिएंट है बट इफेक्टिवनेस नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट मीट नहीं हुआ. सो अब देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं मैनेजमेंट के. व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. पहला करेक्टरिस्टिक है कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का. मैनेजमेंट का होता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. जैसे कि आपको पहले भी बताया गया कि अलग अलग जगह से लोग आते हैं, और हमारा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उन सबकी अलग अलग एक्टिविटीज़ को, डाइवर्स एक्टिविटीज़ को एक पाथ दे, ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक गोल होता है जिसके लिए वो काम करती है, चाहे वो प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो. तो जिस गोल के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसकी तरफ डायरेक्ट करती है मैनेजमेंट. टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल. तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ लेके जाती है मैनेजमेंट. सो अगला हम पॉइंट देखते हैं, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव. ऑल परवेसिव नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि मैनेजमेंट में जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो कॉमन है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए. यू नो ऑल परवेसिव, दे आर ऑल परवेसिव फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. सो वेदर वो एनजीओ हो या प्रॉफिट के लिए ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट एक्टिविटी सेम रहेंगी. यानी कि मैनेजमेंट हम ऑर्गेनाइजेशन की वैसे ही करेंगे कि हमारा गोल अचीव हो. अब वो गोल चाहे हमारा प्रॉफिट मेकिंग हो, वो गोल चाहे हमारा सोशल वेलफेयर हो, जो भी हमारा गोल हो, वो सारी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट का प्रोसेस सेम रहेगा. सो ऑल परवेसिव फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन.
सो अगला पॉइंट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है. सो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल यानी कि बड़ी सारी डायमेंशंस को देखती है. आप किन किन डायमेंशंस को देखती है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है. सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में अगर देखें, ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क, यानी कि कोई वो काम है जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है. जैसे फैक्ट्री है वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए एग्जिस्ट करती है कि गुड्स बने वहाँ पे. कोई हॉस्पिटल है तो वो इसलिए एग्जिस्ट करता है कि मरीजों का इलाज सही से हो सके, उनकी सेवा सही से हो सके. तो जो भी काम है उसको हमें मैनेज करना, मैनेजमेंट की एक डायमेंशन है. अगला आ रहा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी कि लोगों को मैनेज करना. सो ह्यूमन रिसोर्स और पीपल आर ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट एसेट, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रेटेस्ट एसेट होता है. डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क, यानी कि लोगों से काम कराना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, चाहे जितनी मर्जी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो. तो इसकी भी आगे दो डायमेंशंस है फर्दर जो डील करती हैं, एम्प्लॉई एज एन इंडिविजुअल, यानी कि एम्प्लॉई एज एन इंडिविजुअल. और दूसरी डील करती है इंडिविजुअल से जो ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी कि पहले एम्प्लॉई आ रहा है और उसको हम एज एन इंडिविजुअल देख रहे हैं, और दूसरा देख रहे हैं इंडिविजुअल को ग्रुप ऑफ पीपल की तरह. सो फ्रॉम एक पॉइंट से अगर हम देखें तो हम प्लूरल से बड़े सारे एम्प्लॉयज से सिंगुलर में जा रहे हैं, और दूसरे में हम सिंगुलर से प्लूरल में जा रहे हैं. तो एक एम्प्लॉयज़ का ग्रुप है उसमें एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की क्या नीड है उसको भी देख रहे हैं, और एक इंडिविजुअल जो अपने पूरे ग्रुप के साथ काम कैसे करेगा हम उस चीज़ को भी देख रहे हैं. सो अगले पॉइंट पे आते हैं जो है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन से डील करता है. मैं इस वीडियो में या इन पूरी कोर्सेज में आपको शायद लगे कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, पर उसका मोटिव यही होगा कि आपकी क्लास क्विकली गो थ्रू आप कर सकें ताकि आपकी रिविजन फटाफट हो. सो एंड ये भी आप देखेंगे कि जो भी पॉइंट होगा वो एक्सप्लेन पूरा किया जाएगा. तो अब हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन को. ऑपरेशंस क्या हैं, यानी कि जितने भी काम हो रहे हैं ऑपरेशन हो रहा है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है वो है आपका ऑपरेशंस. सो विच एंटेल्स द फ्लो ऑफ इनपुट ऑफ मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग दिस इनपुट इनटू डिजायर्ड आउटपुट. ये आपका ऑपरेशन है जिससे आपका इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए, एक प्रोसेस है. यानी कि ऑपरेशन इज आपका इनपुट से आउटपुट की ओर जाना, और इनपुट से आउटपुट जाते कैसे है, बीच में आता है प्रोसेस, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट. सो ये जो चीज़ है ये ऑपरेशन आपका इंटरलिंक हो जाता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल से. मैनेजमेंट कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि ये नहीं कि एक काम कर दिया तो मैनेजमेंट ख़त्म हो गई, कॉन्टीन्यूस चलता रहता है. एक साइक्लिक फ्लो है वो बार बार चलता रहेगा. प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज सीरीज ऑफ कॉन्टीन्यूस कॉम्पोजिट बट सेपरेट फंक्शन, यानी कि कॉन्टीन्यूस हैं, कॉम्पोजिट हैं, पर अलग अलग फंक्शन है जो एक साइक्लिक मोशन में चलते रहते हैं. और वो फंक्शंस आपको बता चुका हूँ मैनेजमेंट के क्या होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. तो ये सारे हैं. आगे देखते हैं मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, ये भी आपको समझ में आ रहा है कि ग्रुप ऑफ पीपल हैं, अलग अलग डिविजन्स होती हैं कंपनी में, अलग अलग डिवीजन के अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, सारे इकट्ठे बैठ के डिस्कशंस करते हैं ताकि कंपनी के कॉमन गोल की तरफ अलग अलग जो डिविजन्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो कैसे जा पाएंगी. मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि डायनेमिक है, हर जगह फैला हुआ है, हर बहुत सारी चीज़ों से डील करता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को अपने अंदर इन्वॉल्व करता है. सो इट्स अ डायनेमिक फंक्शन. सो इंटेंजिबल फोर्स है,
मैनेजमेंट एक यू नो ऐसी फोर्स है जिसको यू कॉन्ट टच, इट कैन बी फेयर फेल्ट यू, सो इट इज़ एन इंटेंजेबल फोर्स. सो कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डील कर लिया है, आई थिंक काफ़ी डिटेल में डील किया है. अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जो डील कर रही है ऑब्जेक्टिव क्या है. करेक्टर्स तो हमने देख लिए कि भैया ये करेक्टरिस्टिक हैं, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, परवेसिव है, मल्टी डायमेंशनल है, गोल ओरिएंटेड है. अलग अलग डायमेंशन जो देखी थी वो थी मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, तो पहला ऑब्जेक्टिव तो हमारा होगा जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से डील कर रहा है. जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है बेसिकली वही मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है. ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है भैया, सर्वाइव करना है उनको. यू नो इतना टफ कंपटीशन है मार्केट में, पर मार्केट में सर्वाइव करना, यू नो इट्स इम्पॉर्टेंट कि रेवेन्यू जनरेट करे फर्म और अपना सर्वाइवल को मेंटेन रखे. दूसरी चीज़ आ रही है प्रॉफिट. खाली सर्वाइवल से क्या होगा, आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, एक के बाद एक साल में आप आगे बढ़ पा रहे हैं, हर फाइनेंशियल ईयर क्रॉस कर रहे हैं, बट आपका प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है. प्रॉफिट है पर सफिशिएंट नहीं है, तो वो भी है आपका यू नो इट्स नॉट गुड. यू हैव टू हैव सफिशिएंट प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए तभी ये आपके लिए सही रहेगा. अगला है कि ग्रोथ भी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप स्टेगनेंट हो गए हैं, आपको ग्रो करना होगा एज एन ऑर्गेनाइजेशन, बढ़ना होगा. सो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि मैनेजमेंट के भी ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, यानी कि सर्वाइवल होनी चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए और ग्रोथ होना चाहिए. दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप यू नो सोसाइटी के लिए कुछ बेनिफिट करें, तो दैट इज़ द सोशल ऑब्जेक्टिव. उसके आगे आ रहा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव. पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आया कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रुप ऑफ पीपल से बनी है, बड़े सारे लोग हैं जो अलग अलग पर्सनैलिटी से रखते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग उनका एक्सपीरियंस है और उनके अलग ऑब्जेक्टिव है. जो ये सब लोग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं और अपना उनका कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं, तो दोनों ऑब्जेक्टिव को साथ में मिल के आगे चलना चाहिए. और वो चीज़ कैसे मैनेज हो पाएगी, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और पर्सनल का ऑब्जेक्टिव, उस चीज़ को मैनेज करना इस ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. सो आई होप आपको समझ में आया होगा, तीन ऑब्जेक्टिव हैं ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, पर्सनल. और ऑर्गेनाइजेशन के फर्दर तीन बाइफर्केशन है, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है सर्वाइवल के लिए, प्रॉफिट के लिए, ग्रोथ के लिए. और सोशल ऑब्जेक्टिव है क्योंकि सोसाइटी के जो गुड्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है, रिसोर्सेज सोसाइटी से यूज़ हो रहे हैं, तो सोसाइटी का भी बेनिफिट होना चाहिए. और पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व है. सो अब देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की. मैनेजमेंट ये आप देखेंगे कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं जो इनकी हेडिंग्स हैं, इनको अगर डिटेल में ना भी देखा जाए तो भी आप इस पर कुछ लिख पाएंगे. और दिस इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि मैनेजमेंट हमें गोल अचीव करने में मदद करती है. क्यों है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी लाती है हमारे काम में, इंक्रीज करती है हमारी एफिशिएंसी को. सो और एफिशिएंसी से हमेशा आपको लिंक करना है कॉस्ट एफिशिएंसी को. मैनेजमेंट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है. सो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब फंक्शन जो होते हैं, फंक्शन ऐसे एनवायरनमेंट में करती है जो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है. तो उस कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में मैनेजमेंट हेल्प करती है. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करती है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व है, अलग अलग कल्चर से डाइवर्सिफाइड लोग डाइवर्सिफाइड टास्क कर रहे हैं जिनके अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व होते हैं कुछ, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, तो उन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में मैनेजमेंट मदद करती है.
सोसाइटी की डेवलपमेंट में मदद करती है। तो अब डील करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट का नेचर क्या है? सो नेचर अलग अलग हो सकते हैं। उनको एक्सप्लेन किया गया कि आर्ट का नेचर रख सकती है, यानी कि जैसे आर्ट होती है ड्राइंग पेंटिंग वगैरह, साइंस का नेचर रख सकती है और प्रोफेशन का नेचर रख सकती है। साइंस से आप समझ गए, जो साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं वही साइंस से डील कर रहा है, और प्रोफेशन मतलब जैसे CA CS हो गया, वो सब हो गया। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सो आर्ट में होती है, अब ये जो पॉइंट्स डील कर रहे हैं वो डील कर रहे हैं आर्ट से रिलेटेड। सो आर्ट में होती है थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी कि थ्योरी से डील करती है आर्ट। आर्ट हो गया जैसे आप देखेंगे डांस, डांस के ऊपर थ्योरीज इन्वॉल्व हैं कि कथक कैसा डांस है, ये कैसा डांस है, डांस की शुरुआत कैसे हुई, कौन से डांस के बेसिक्स क्या हैं, मुद्राएं क्या होती हैं, चाहे वेस्टर्न डांस हो इंडियन डांस हो, सबके ऊपर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगी, बुक्स मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे, लिटरेचर मिलेगा। सो थ्योरेटिकल नॉलेज इन्वॉल्व होती है आर्ट में। पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है, यू नो, आप थ्योरी से आपने कुछ पढ़ लिया, उसके बाद आपने डांस सीख लिया फॉर एग्जांपल, उसको आप पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन कर सकते हैं। हो सकता है आपने एक चीज़ सीखी बट उसको आपने अप्लाई कैसे किया, वो आप अपनी पर्सनल थिंकिंग के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। सो पर्सनलाइज्ड होता है आर्ट। आपने ड्राइंग कहीं से सीखी, उसके बाद उस सीख को अपनी एक नई सोच में बदल के किसी नए तरीके से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और प्रैक्टिस चाहिए होती है और क्रिएटिविटी चाहिए होती है आर्ट में, ये बहुत बेसिक सा पॉइंट है। सो अब इसको हम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। तो पहला पॉइंट एग्जिस्ट करता है, मैनेजमेंट की बुक्स मिल जाएंगी आपको जिसको आप पढ़ सकते हैं। अलग अलग ऑथर की अलग अलग बुक्स हैं जो आपको बताएंगी कि मैनेज कैसे किया जा सकता है। अगला है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आप बुक से पढ़ तो लेंगे, ऐसे मैनेज किया जा सकता है, बट हर सिचुएशन अलग है, हर क्राइटेरिया अलग है, आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनकी सोच अलग है, यू नो, चेंजिंग एनवायरनमेंट है, डायनामिक सिचुएशन होती है, तो कौन सी चीज़ को अप्लाई कैसे करना है ये आपकी पर्सनल थिंकिंग के हिसाब से आप करेंगे। अगला है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी। आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको हमेशा से ही आती होगी, आप टाइम के साथ साथ अलग अलग चीज़ें सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे मैनेजमेंट स्किल्स को अपने, उसके बाद उसको क्रिएटिवली अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस, साइंस की तरह कैसे है मैनेजमेंट, ये इससे डील कर रहा है। सो पहले साइंस के बारे में पढ़ते हैं। साइंस क्या है? एक सिस्टमाइज बॉडी है नॉलेज की। साइंस के ऊपर भी लेक्चर्स हैं, थ्योरीज हैं, एक सिस्टमेटिक वे में बनी हुई है कि क्या चीज़ कैसे चलेगी, क्यों चलेगी, आपके हर सवाल का जवाब है, व्हाट व्हाई व्हेन वेयर, हर चीज़ की आपके पास एक रीजनिंग है। साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रिंसिपल जो हैं साइंस के प्रिंसिपल हैं वो एक्सपेरिमेंट से बने हैं, ऐसे ही डिराइव नहीं हो गए, लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए। अगर ग्रेविटी का भी लॉ आया तो उसके ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट किए गए। कोई भी लॉ साइंस का डिराइव हुआ तो वो एक्सपेरिमेंट से डिराइव हुआ। साइंस के जो प्रिंसिपल हैं उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, यानी कि यूनिवर्सली अप्लाई करते हैं। ये नहीं है कि ये साइंस का प्रिंसिपल अमेरिका में चलेगा पर इंडिया में नहीं चलेगा, इंडिया में चलेगा पर ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलेगा, हर जगह सेम रहेंगे वो। सो अब सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के पॉइंट को अगर हम देखें तो मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, मैनेजमेंट में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आप लगा सकते हैं कि किस चीज़ का इफ़ेक्ट क्या आएगा, कौन से कॉज का क्या इफ़ेक्ट होगा, उनका रिलेशनशिप आप देख सकते हैं, क्या करने पे क्या हो सकता है ये आप एनालाइज कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक बॉडी है मैनेजमेंट भी। अगला है एक्सपेरिमेंटेशन।
तो आपने जो देखा होगा कि मैनेजमेंट में भी अलग अलग प्रिंसिपल्स बने हैं, वो भी जिन्होंने ये थ्योरीज डिराइव की हैं मैनेजमेंट की, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है इन चीज़ों को, लोगों के ऊपर अप्लाई किया है, सिचुएशंस पे अप्लाई किया तब डिराइव किया है उन प्रिंसिपल्स को, और ये सारी चीज़ें जो बनी हैं वो भी एक एक्सपेरिमेंटेशन से बनी हैं। यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है साइंस के प्रिंसिपल की, पर क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है? नहीं, नहीं हो सकती। तो ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की यूनिवर्सल वैलिडिटी क्यों नहीं हो सकती? क्यों? यू नो डायनेमिक एनवायरनमेंट है, चेंजिंग सिचुएशंस हैं। यू नो ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व है, इस वजह से यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं हो सकती। अब देखते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन जैसे मैंने आपको बताया CA, CS वगैरह ये सब प्रोफेशंस रहते हैं, उनके हिसाब से देखें तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है प्रोफेशंस में, जैसे CA का है ICAI। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है प्रोफेशन में, नो आपको अगर किसी प्रोफेशन उसमें कोर्स में जाना है, जैसे CA का ही एग्जांपल लिया, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको कोई चीज़ के CS के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। उसके लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी क्राइटेरिया है कि आपके ये परसेंटेज होने चाहिए, इतना आपको क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो CA में परसेंटेज मैटर नहीं है, आप 12th पास हैं तो आप CA के लिए एलिजिबल हैं। तो बेसिकली ऐसे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है उसमें जाने की, फ्री एंट्री नहीं है कि कोई भी आके ये चीज़ प्रैक्टिस नहीं कर सकता प्रोफेशन को। सो प्रोफेशनल एसोसिएशंस इसमें इन्वॉल्व होती हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशन यानी कि रेगुलेट करती हैं वो चीज़ एंट्री को, सर्टिफिकेट देती हैं प्रैक्टिस का, फॉर्मुलेट करती हैं, इन्फोर्स करती हैं कोड ऑफ कंडक्ट को। जैसे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, यू नो, तो ठीक है, बट वहाँ पे कंपलसरी नहीं है, बट वो फिर भी रेगुलेट करती है इनको, ICAI CA से रिलेटेड प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करती है। तो एक प्रोफेशनल एसोसिएशन इन्वॉल्व होता है यहाँ पे। ये मैंने आपको साथ में मैनेजमेंट वाला भी बता दिया, यहाँ पे AIMA है मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो कंपल्शन नहीं है यहाँ पे। CA में तो कंपल्शन है, सो प्रोफेशन में कंपल्शन है, मैनेजमेंट में कंपल्शन नहीं है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि एथिक्स का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, वो होता है सर्विस मोटिव के लिए होती हैं। इसमें मैंने आपको साथ में मैनेजमेंट के बारे में भी बता ही दिया है, तो मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती। एक अच्छा मैनेजर हो सकता है कि ज़रूरी नहीं बहुत पढ़ा लिखा या बहुत सारी डिग्रीज लेके आया बंदा हो, ही कुड बी अ 10th पास जो अच्छा मैनेजर है। बड़े सारे आपने देखे होंगे मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं बट मैनेज कर रहे होते हैं बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर्स को। सो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट प्रोफेशन से लेती है और कुछ चीज़ें हैं जो प्रोफेशन से नहीं लेती, और कुछ है जो ले रही है बट कंपल्शन नहीं है, जैसे ये AIMA वाला हो गया। सो मैनेजर्स के लिए भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मैनेजर का भी सर्विस मोटिव होता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्रोफेशनल एसोसिएशन कंपल्शन नहीं है। सो अगली स्लाइड पर चलते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं? सो लेवल ऑफ मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट है जो ऊपर का है, COC टाइप का लेवल। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट है जो सबसे लोअर, यू नो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल है, मिडल है, फिर सुपरवाइजरी है। सो टॉप लेवल इनको मैनेज करता है, मिडल वाला लास्ट लेवल को मैनेज करता है। सो इस हिसाब से काम चलता है, अलग अलग लेवल का अलग अलग काम है। इनका हाई लेवल वर्क होता है, इनका यू नो एक टाइप से कोऑर्डिनेटिंग वर्क ज़्यादा होता है, अलग अलग यू नो टॉप के बीच में
और सुपरवाइजरी के बीच में कोऑर्डिनेशन लेके आते हैं ये, और सुपरवाइजरी का वर्क होता है सुपरवाइज करती है वर्क को, जो बिल्कुल लोअर यू नो वर्कफोर्स जो है हमारी उनको सुपरवाइज करना। सो आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग का फंक्शन क्या है कि व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है, कौन करेगा, पहले से हमें एडवांस में डिसाइड कर लेना इस प्लानिंग, ठीक है। हमें सेटिंग गोल्स इन एडवांस एंड डेवलपिंग अ वे टू अचीव देम, यानी कि गोल हमने डिसाइड कर लिया क्या है हमारा और उसको कैसे अचीव करना है, एक डेवलपिंग अ वे इस प्लानिंग, और वे भी ऐसी होनी चाहिए कि जो ये दो पॉइंट्स आपके पास वापस से आ गए, एफिशिएंसी एंड एफेक्टिवनेस, एफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, कॉस्ट एफिशिएंसी एंड एफेक्टिवनेस, यानी कि हम अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग है दूसरा। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब आप वर्ड से ही समझ रहे हैं कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइजिंग इन मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटी, यानी कि हम ड्यूटीज़ को असाइन कर रहे हैं, असाइनिंग ड्यूटीज़, टास्क को ग्रुप कर रहे हैं कि बड़े सारे टास्क हैं उनको ग्रुपिंग ऐसी कर रहे हैं कि सही तरह से वो ग्रुप हो जाएं और काम हमारा सही से इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी से हो। अथॉरिटी एंड अथॉरिटी सेट कर रहे हैं, यानी कि कौन लीड करेगा, किसके ऑर्डर्स को सुना जाएगा, वो हम सेट कर रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हैं, यानी कि जिसको जिस रिसोर्स की ज़रूरत है उसके पास वो रिसोर्स होना चाहिए ताकि काम टाइम पे हो जाए। सो ये ऑर्गेनाइजिंग है कि हम हर चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि काम सही से हो। उसके बाद आ रहा है स्टाफिंग। स्टाफिंग सिंपली स्टेटेड इज़ फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर राइट जॉब, सही काम के लिए सही बंदे को ढूंढना। अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू मेक श्योर दैट द राइट पीपल अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू मेक श्योर दैट राइट पीपल विद राइट क्वालिफिकेशन, सही टाइप का बंदा, सही क्वालिफिकेशन वाला बंदा सही जगह पे और सही टाइम पे हमारे पास होना चाहिए ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन का काम सही से कर सकें। सो आगे देखते हैं, अगला पॉइंट डील कर रहा है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्ट करेंगे, यू नो डायरेक्टिंग इन्वॉल्व लीडिंग, influencing, motivating employees to perform task assigned to them, यानी कि हम उनको direct कर रहे हैं कि भैया ये काम तुम्हें करना है और कैसे करना है। हम उनको lead कर रहे हैं, leading by example, उनको influence कर रहे हैं, उनको motivate कर रहे हैं। So we are leading them, we are influencing them, we are motivating them, ताकि वो अपना काम सही से कर सकें। So motivation and leadership are two key component. मोटिवेट करना और लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो डायरेक्टिंग के इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं। अगर आप मोटिवेट ही नहीं कर पा रहे तो आप अच्छे से एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे उनके काम में। और सुपरवाइज़र नहीं चाहिए होता एम्प्लॉयज़ को, एक लीडर चाहिए होता है जो लीड करता है बाय एग्जांपल, जो उनको भी समझे और उनकी ज़रूरतों को भी समझे और तब ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। अगली चीज़ है कि डायरेक्टिंग में क्यों कम्युनिकेशन एफिशिएंसी भी बहुत होनी चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो इफ़ेक्टिवली आप अपने एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगला है कंट्रोलिंग, यानी कि कंट्रोल करना अलग अलग एक्टिविटीज़ को, कोई सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाए जिससे बाहर निकलना हो, उसमें क्या कंट्रोलिंग स्टेप्स लेने हैं, कुछ डाइवर्सिफिकेशन हो गई तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, वो चीज़ होती है कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग में हम देखते हैं, कंट्रोलिंग इज़ अ मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग। मॉनिटर कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए हम, क्योंकि कंट्रोल तभी कर पाएंगे जब हम उस पर पैनी नज़र बना के रखें। ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेंटेन कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही, और नहीं जा रही तो सिचुएशन को कंट्रोल करना है। द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिश करने स्टैंडर्ड्स, यानी कि एक मापदंड एस्टेब्लिश करना है कि परफॉर्मेंस का मेजर करना है, करंट परफॉर्मेंस क्या है, हमारी स्टैंडर्ड क्या है, उनको मेजर करना और करेक्टिव एक्शन लेना इज़ कंट्रोलिंग। सो देखें करंट परफॉर्मेंस क्या है हमारी,
हमारे स्टैंडर्ड्स क्या हैं, टेकिंग करेक्टिव एक्शन व्हेन देयर इज डाइवर्जन, तो दिस इज कंट्रोलिंग. आई एम सॉरी. सो कोऑर्डिनेशन पे आ गए हम. मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कोऑर्डिनेशन का. सो कोऑर्डिनेशन एसेंस है मैनेजमेंट की. यू नो यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ, अब तक आप समझ गए होंगे कि मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म 5 इंटर रिलेटेड फंक्शन. 5 इंटर रिलेटेड फंक्शन मैनेजर को परफॉर्म करने हैं जब वो अपनी मैनेजमेंट की ड्यूटीज़ को अपनी मैनेजमेंट ड्यूटीज़ को वो परफॉर्म कर रहा है, तब उसको 5 अलग अलग फंक्शन से डील करना है. ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. सो कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़रूरी है जब वो अलग अलग फंक्शंस के थ्रू गो थ्रू कर रहा है. 5 इंटर रिलेटेड फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अ सिस्टम मेड अप ऑफ डिफरेंट इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम. अ मैनेजर हैज़ टू लिंक दिस डाइवर्स ग्रुप टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल. मैनेजर को लिंक करना होता है इन डाइवर्स ग्रुप को एक कॉमन गोल के की अचीवमेंट के थ्रू. डाइवर्स ग्रुप है, एक कॉमन गोल के लिए सारे लोग काम करें, उसको करने के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है. सो सिंपल है आई गेस अभी तक. द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइज, जो प्रोसेस करता है सारी एक्टिविटीज़ को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट को, उस प्रोसेस को कोऑर्डिनेशन कहते हैं. कोऑर्डिनेशन के करैक्टरिस्टिक्स की तरफ जाते हैं हम. ओके, सो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है इंटीग्रेट करता है, कोऑर्डिनेट इंटीग्रेट करते हैं ग्रुप एफर्ट को. इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल. तो टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल. यूनिटी ऑफ एक्शन. यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो डायरेक्शन होगी अचीवमेंट ऑफ अ गोल. सी दिस इज क्वाइट सिंपल आई गेस, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताना मैं नहीं समझता कि ज़रूरी होगी. आप एक बार बुक से पढ़ेंगे और आप समझ जाएंगे इसमें क्या आपको लिखना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. और बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको हेडिंग से ही आ जाएगी, क्योंकि बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स हैं. कोऑर्डिनेशन कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. ये नहीं है कि कोऑर्डिनेशन आपने एक बार किया और ख़त्म हो गया. आपको लगातार चलना है. जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तब भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तब भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, यू नो, हर लेवल पे आपको कोऑर्डिनेशन जरूरी है. कंट्रोलिंग पे भी आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए. तो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, फिर वापस से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और चलता रहेगा ये प्रोसेस. ये भी ऑल परवेसिव फंक्शन है, यानी कि हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में आपको यू नो ज़रूरत होगी कोऑर्डिनेशन की. ये नहीं है कि एक टाइप में है एक टाइप में नहीं, हर जगह ये कोऑर्डिनेशन का एस्पेक्ट इन्वॉल्व है. कोऑर्डिनेशन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स, यू नो, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और ये डेलीब्रेट फंक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर. हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नहीं है कि कोई डिपार्टमेंट मैनेजर, एक डिपार्टमेंट का मैनेजर नहीं कोऑर्डिनेट करेगा. हर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये डेलीब्रेटली लिया गया फंक्शन है. डेलीब्रेट आपको करना ही, डेलीब्रेटली लिया गया फंक्शन है, आपको कोऑर्डिनेट करना ही है. इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? ज़रूरत है ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंस होता है, अलग अलग फंक्शन के डिफरेंस होते हैं, डिफरेंट होता है अलग अलग फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलाइजेशन के लिए. सो ग्रोथ इन साइज, एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रोस इन साइज द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो ग्रो. जैसे साइज ग्रो होगा वैसे ही नंबर ऑफ पीपल भी ग्रो हो जाएंगे. सो जब ज़्यादा लोग होंगे
तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कोऑर्डिनेशन की, क्योंकि एट टाइम्स इट बिकम डिफ़िकल्ट टू इंटीग्रेट एफर्ट, यू नो, इंटीग्रेटिंग एफर्ट्स. अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन का एस्पेक्ट है एक इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स, तो यहाँ पे इसलिए ज़रूरी भी है, इम्पोर्टेंस भी उसी की वही हो गई कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा वैसे ग्रोथ भी होगी, और जैसे जैसे ग्रोथ होगी पीपल में, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी कोऑर्डिनेशन की. इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स, सो इंटीग्रेशन के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है. सो फंक्शनल डिफरेंस होता है, फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स एंड सेक्शंस, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया या सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, तो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उन सब डिपार्टमेंट के काम को इंटीग्रेट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है. अब कैसे हो सकता है ये चीज़ देखो, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एम हो गया कि सेल्स को इंक्रीज़ करना है, इनका एम हो गया टू इंक्रीज़ सेल्स. अब इस सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए ये दे सकते हैं डिस्काउंट दे दिया इसके लिए. अब इन्होंने तो सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए डिस्काउंट दे दिया, बट फाइनेंस डिपार्टमेंट इस डिस्काउंट को अप्रूव ना करे, क्या पता क्यों, क्योंकि इस डिस्काउंट का इम्पैक्ट पड़ेगा पी एन एल पे, हमारा रेवेन्यू डाउन जाएगा इसकी वजह से. सो सेल्स इंक्रीज़ हो गई बट रिवेन्यू डिक्रीज़ हो गया, तो जो स्टेप लेना है सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए वो ऐसा हो, या जितना परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है वो ऐसी हो कि दोनों डिपार्टमेंट यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट मान जाएं, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है. अब देखते हैं अगला टॉपिक है स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन में आएगा, स्पेशलाइजेशन अराइज आउट ऑफ complexities of modern technologies and diversity of tasks to be performed. So complexities of modern technology, specialization arises out of complexities of modern technologies. जैसे कि मैं modern technology use कर रहा हूँ, ये bamboo stick, जिससे कि लिखना उतना आसान नहीं है जितना एक पेन से लिखना आसान होता है. तो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड डाइवर्सिटी ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म्ड. सो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की कॉम्प्लेक्सिटीज़, अलग अलग टास्क जो परफॉर्म करने हैं तो उन सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो स्पेशलाइज्ड, यू नो, ऑर्गेनाइजेशन देयरफॉर नीड एम्प्लॉय टू बी स्पेशलाइज्ड इन दिस थिंग, ताकि वो स्पेशलाइज्ड हो सकें एम्प्लॉयज़, तो तभी वो कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, अदरवाइज कोऑर्डिनेशन लैक होगा. बट इससे दिक्कत ये आती है कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट थिंक करते हैं कि भैया वही बेस्ट हैं, उनका जो डिसीजन है वो बेस्ट है, वो दूसरों की एडवाइस या सजेशंस नहीं लेते. जो स्पेशलिस्ट होंगे वो एडवाइस या सजेशंस मोस्टली नहीं लेते, तो उनकी इस इशू को दूर करने के लिए, कोऑर्डिनेशन जरूरी है. ठीक है, तो आई गेस आपको ये भी समझ में आ गया होगा. सो इस चैप्टर में यही है. अब
इस चैप्टर के बारे में हमने डील कर लिया। इस चैप्टर को एक बार हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे, जो इस क्लास में अभी नहीं कर रहा, वैसे ही ये क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। तो आई गेस फ़िलहाल इस क्लास के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। आपको ये क्लास YouTube पे भी मिल जाएगी, अभी YouTube पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, और ये क्लास आपको, ये पूरा कोर्स आपको मेरी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। मेरी वेबसाइट है www.ebsolutions.com ये एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। ऑनलाइन वीडियोस का एक्सेस प्रोवाइड करेगा, एनी टाइम एनी वेयर एक्सेस होगा। आप अगर कोर्स को सब्सक्राइब करेंगे, आप कोर्स परचेज करेंगे, तो आपको पूरा एक्सेस मिलेगा इस कोर्स का। कोर्स बहुत रीजनेबली प्राइस है। आप मेरी वेबसाइट पर जाइए, आपको ये कोर्स मेरी वेबसाइट पर एकेडमिक सेक्शन में मिल जाएगा क्लास 12th के, और आप वहाँ से इस कोर्स को डील कर पाएंगे, ले पाएंगे, देख पाएंगे, और बहुत रीजनेबली प्राइस है ये कोर्स। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मैं जल्दी ही भी इसके बाकी लेक्चर्स अपलोड करूँगा। कुछ लेक्चर्स मैं YouTube पे भी रखूँगा, मोस्टली लेक्चर, बाकी पूरा कोर्स मेरा अवेलेबल आपको वेबसाइट पे हो जाएगा। सो सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।